एबीपीएस न्यूज गांव की स्थिति और आवश्यकताओं को एबीपीएस न्यूज के माध्यम से सरकार तक पहुंचाने का सिलसिला जारी रखते हुए हमारी टीम जिला संभल के ब्लॉक संभल में स्थित जाला सराय गांव पहुंची। इस समय अमरवती को ग्रामवासियों ने अपना प्रधान चुनकर उन्हें यहां के विकास की जिम्मेदारी सौंपी है। वर्तमान प्रधान द्वारा गाँव में विकास कार्य बेहतर तरीके से कराया जा रहा है। लगभग 5500 की आबादी वाला यह गाँव जिला मुख्यालय से 25 किलोमीटर दूर तो वहीं ब्लॉक से इस गाँव की दूरी मात्र 5 किलोमीटर ही है। लगभग 2200 वोटर वाला यह गाँव विकास के पथ पर अग्रसित है। गांव की मौजूदा स्थिति से रूबरू होते हुए हमने पाया कि गांव में लगभग 100 राशन कार्ड धारक हैं। साथ ही यह भी पता चला कि गांव में 20 विधवा पेंशन, 20 वृद्धा पेंशन व एक विकलांग पेंशन लाभार्थी है। बात अगर शिक्षा के स्तर की जाए तो गांव के जूनियर एवं प्राइमरी विद्यालय में 480 बच्चे अध्ययनरत हैं। वहीं बात अगर विकास कार्यों की जाए तो वर्तमान प्रधान द्वारा गांव में पेयजल आपूर्ति व्यवस्था दुरुस्त रखने के लिए 18 हैंडपंप लगवाए गए हैं व 12 हैंडपंप और सरकार से लगवाने की मांग है। वहीं बिजली व्यवस्था दुरुस्त रखने के लिए 120 विद्युत पोल, 6 विद्युत ट्रांसफार्मर व 50 सोलर लाइटें भी लगवाई गई हैं। वर्तमान प्रधान द्वारा गांव में 8 सीसीटाइज रोड, पानी निकासी के लिए नाला, 2 यात्री शेड, प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 70 आवास तथा स्वच्छ भारत मिशन के तहत 290 शौचालयों का भी निर्माण कराया गया है। एबीपीएस न्यूज टीम से बात करते हुए वर्तमान ग्राम प्रधान प्रतिनिधि ने सीसी टाइल्स रोड, पानी निकासी के लिए नाला, जूनियर हाई स्कूल की सड़क, बारात घर, स्वास्थ्य केंद्र, प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आवास तथा स्वच्छ भारत मिशन के तहत शौचालयों के निर्माण की मांग राज्य में केंद्र सरकार से की है। मैं प्रधान पुत्र ग्राम जालबसराय विकास खंड संभल और नया पंचायत रुकुंदिन सराय, माता जी प्रधान हैं और देखभाल जो हम भाई लोग ही करते हैं। और हमारे यहाँ जो विकास आज तक जो धनराशि आई है गांव की, उसमें हमने ज़्यादातर कोशिश की है कि हम गांव में ही लगाएं और अच्छा करें। और जैसे कि हमने कुछ नाली खड़ंजे और सोलर लाइट और पुराने स्कूल की खाली बेकार जगह को, उसको कैंपस को लोगों के ब्याह शादी के लिए उसे करा दिया है। और भी हम चाहते हैं कि जितना हमसे अच्छा होगा उससे अच्छे से अच्छा करेंगे। और अब जो है हमारे कुछ समस्या ऐसी हैं, हम उम्मीद करते हैं कि गवर्नमेंट से राज्य सरकार हो या सेंटर की सरकार हो, जिससे कि हम ये चाहते हैं कि हमारे जो इंटर कॉलेज हो जाए, हमारे 8वीं तक का तो है, जिससे कि हमारे बच्चे नहीं पढ़ पा रहे हैं सही से, पढ़ने के बाद यहीं रुक जाते हैं। और हम ये चाहते हैं अगर ये हाई स्कूल या इंटर हो जाए तो हमारे बच्चे यहाँ हो जाएं। दूसरी समस्या, हमारे स्कूल को, हमारे गांव को नया, हमारे दो ग्राम पंचायतें पड़ती है सर, दोनों में एक रसूलपुर है, एक नया पंचायत से नया पंचायत को मिलाने के लिए रास्ता बहुत ख़राब है। अगर उसको मिला दिया जाए तो हमारी नया पंचायत जो है एक अच्छा वो हो जाएगा। और जैसे कि हमारे यहाँ अस्पताल नहीं है, अस्पताल की बहुत बड़ी समस्या है। हम चाहते हैं कि गवर्नमेंट से, उम्मीद करते हैं कि इसमें आने वाले समय में हमें ज़्यादा से ज़्यादा धनराशि प्रदान करें और हम गांव में अच्छा विकास करें, और जिससे कि हमारा गांव चमके। और हमारे यहाँ शौचालय लगभग जो 92 शौचालय बने थे वो ग्राम निधि खाते से बने सर, शुरू में 2016 में बनवाए थे, और उसके बाद में निजी खाते में जो लाभार्थी के आ रहे हैं उसमें भी हमने करीब बनवा दी, 210 शौचालय बनेगा, बाकी निर्माण चल रहा है सर। और उम्मीद करेंगे जो भी गवर्नमेंट की योजना आएंगी ज़्यादा से ज़्यादा उसमें करेंगे। लेकिन समस्या जो हमारे यहाँ कुछ विकलांग हैं, उनके सर्टिफिकेट नहीं बन पाए सर, जो सर्टिफिकेट बन जाए तो उनको भी पेंशन मिल जाए, विधवा पेंशन रुक गई है वो नहीं मिल रही है सर, कहते हैं तो कह देते हैं वो बंद चल रही हैं। तो ये हम चाहते हैं हमारे गाँव जो विकास है वो ज़्यादा हो और ये समस्या दूर हो। और हमारे यहाँ ज़्यादातर समस्या ANM जो आज तक खाते से पैसा ही निकला, हम चाहते हैं मच्छर दवाई छिड़की जाए, सफाई शुद्ध हो, तो इसके लिए हम चाहते हैं इसकी भी थोड़ी हमारी हो जाके उस पर ध्यान दे गवर्नमेंट, कि जिससे कि हम लोगों को परेशानी ना हो। असुविधा हो रही है उससे बहुत ज़्यादा, कभी बीमारियाँ बढ़ रही हैं और दवाई ववाई छिड़की जाए, लेकिन वो हमारे लोग जो समस्या हमारी आती है। मेरा नाम सब्बर हुसैन है, इसी ग्राम पंचायत जालबसराय का निवासी हूँ जी। और ये जो सड़क जो आप देख रहे हैं जी, ये जो सड़क है इस पर पहले बहुत गंदगी रहती थी, जो पहले पैदल भी निकलने में परेशानी पड़ती थी जी। जो आपके जो है, अब हमारे प्रधान जी ने बहुत अच्छा काम करा दिया, जो वहाँ से वहाँ तक बहुत अच्छी सहूलियत है जी। काम बहुत अच्छी के तरीके से करा रहे हैं जी, निष्पक्ष करा दिए, इसलिए काम बढ़िया करा दिया। अब कोई परेशानी नहीं है सड़क की, बेहतरीन काम करा दिया इसका।